here we have Asif, and he is from Start India Foundation, and he will tell more about this art. And people these days, they want to know what are this, and they are really, you know, curious to know, and they will work and they will just share what's happening, why people are coloring the world. So Asif, please let us know. ये हमारा Start India एक संस्था है, एक foundation है दिल्ली से, और हम लोग हर एक state में जाके ऐसे murals करते हैं, और हमें गवर्नमेंट सपोर्टेड होते हैं कि वो हमें अपने बिल्डिंग्स देते हैं ऐसे पेंटिंग करने के लिए, वो हमें सपोर्ट करते हैं. ऐसा हम अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज से हम आर्टिस्ट को इनवाइट करते हैं ऐसा वॉल करने के लिए कि उन्हें भी पसंद होता है ऐसा. ये बेसिकली बाहर का फेस्टिवल है, ये इंडियन फेस्टिवल नहीं है. तो हर एक आर्टिस्ट यहाँ पर आता है, अपना कुछ ना कुछ अपने बारे में बताता है या कुछ करता है, तो हम उसे सपोर्ट करते हैं ऐसा. तो 2014 से हमने स्टार्ट किया दिल्ली से, लोधी कॉलोनी से हमने स्टार्ट किया. फिर हमने WIP किया था, उसके बाद हमने बॉम्बे फेस्टिवल, सेकंड बॉम्बे फेस्टिवल किया, उसके बाद हमने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में हमने किया. फिर ऐसे ही हम यूँ ही चलते चलते आए हैं. वैसे लोधी कॉलोनी वैसे बहुत फेमस एरिया है, और हमारा एग्जीबिशन भी हो रहा है जोरबाग मेट्रो के पास कोना में. Culture is not Indian, and it has been inspired from the Western world. And you are saying that there is an exhibition happening near the Jorbagh metro station. And till what duration is there? Like till this month, or for a month, or for like in a debate regarding the exhibition? हम तो ये अभी 3 months के लिए यहाँ पर कर रहे हैं. हमारा एग्जीबिशन भी हो रहा है, तो हम ये भी म्यूजिक भी कर रहे हैं साथ में. तो बहुत से ऐसे आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो हमारा 3 महीने के लिए ये इवेंट है. तो ऐसा हम अभी बेसिकली म्यूरल में ये कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं. तो और इससे हम वुमेंस के ऊपर भी कुछ करते हैं, जो वुमेंस फेस्टिवल एक होता है, जो बेसिकली बाहर भी ज़्यादा सेलिब्रेशन होता है, और हम इंडिया में भी कर रहे हैं. उसके लिए हमने एक वॉल ये किया, डिज़ाइन किया हुआ है ब्लॉक नंबर 5 में, नियर सेकेंडरी स्कूल, जो म्यूनसिपल स्कूल है गवर्नमेंट का, हम उसके सामने ऐसा गर्ल्स के ऊपर कुछ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स का भी बहुत सा ऐसा कुछ सीन वीन होता है यार. तो ऐसा हम एक कल्चर को लेके चल रहे हैं, इंडियन कल्चर को, उसको बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या होता है. हम ऐसे अलग अलग डिज़ाइन करते हैं, जो टाइपोग्राफी एक वर्क हो गया, जो बहुत से लोग नहीं जानते टाइपोग्राफी वर्क क्या होता है, तो हम उनसे एक्सप्लेन करते हैं ये टाइपोग्राफी वर्क है क्या. बहुत से लोग पूछते हैं भाई ये तो सिर्फ ऐसे ऐसे बना हुआ है, ये टाइपोग्राफी होता क्या है, तो हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं ये ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये यूज़ होते हैं कहीं, तो वैसे हम कर रहे हैं. तो आप हमें बताएंगे टाइपोग्राफी क्या होता है. बेसिकली टाइपोग्राफी होता है कि टाइपोग्राफी वर्क क्या होता है. एज आ उसको हम सामने से देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता भाई ये क्या है, जब हम उसे दूर से थोड़ा जाके देखें तो उसमें कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, तो वर्ड्स का मीनिंग होता है कुछ. ऐसे हमने वहाँ पर ST लिखा है, ST उसके आगे हिंदी में कुछ हमने वर्ड लिखा हुआ है, तो उसका एक मीनिंग है. ऐसा यूज़ करते हैं हर लोग, जो भी टाइपोग्राफी सीखते हैं उनके लिए बहुत इजी वर्ड है ऐसा यूज़ करना, तो वो टाइपोग्राफी एक डिज़ाइन हो जाता है, तो उसे सीख लेते हैं बहुत से लोग, ऐसे फाइन आर्ट्स वाले बहुत से लोग जो होते हैं वैसे. ओके, तो आप ये बोल रहे हो कि टाइपोग्राफी हम इंग्लिश और हिंदी को भी मिक्स करके एक न्यू फॉर्मेट वो करके एक न्यू आइडेंटिफाई करके बनाते हैं. स्टार्ट इंडिया का मैंने देखा लोगो, इज समथिंग वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी क्रिएटिव एंड डिफरेंट. एंड हु इज द फाउंडर, आई वुड लाइक टू नो द नेम ऑफ अ फाउंडर. को फाउंडर टोटल 5 हैं. फर्स्ट अर्जुन बैल इज अ डायरेक्टर, सेकेंड अक्षत नौरियाल इज अ फोटोग्राफर ऑफ स्टार्ट इंडिया, थर्ड क्यूरेटर जूलिया एम्ब्रगी, फोर्थ थनीश थॉमस इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड फोर्थ हनीफ कुरेशी इज अ ऑल्सो आर्टिस्ट एंड द को फाउंडर ऑफ स्टार्ट इंडिया फाउंडेशन. ओके, सो ऑल द क्रिएटिव पीपल कमिंग टुगेदर एंड दे डूइंग सच अ ब्यूटीफुल वर्क. Start India are doing for women empowerment and for even the girls, child and the upliftment and the problems we are facing in India. But now I hope with art people can connect and we'll have less problem and they will understand women much better. So there are more words that need to be colored. I think murals will be made. To Asif, yeah, nice see you. You same here.